हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे सिर्फ टॉपिक ही नहीं, आप लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन को भी बताया जाता है। और विशाल जी हमारे एक ऐप यूज़र हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है, वो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने पूछा है कि उनके पास इस तरह का मंथ है और इस तरह के डे है, वो जानना चाहते हैं कि किस महीने में कितने नंबर ऑफ डेज है, संडे कितना है, सैटरडे कितना है, पूरा अकाउंट चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में सैटरडे कितना, 4 है, फ्राइडे 5 है, इस तरह अकाउंट कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा एवलेट करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको एक डेट बनाता हूँ इस तरह से, इक्वल 1-10% हमने जैन ले लिया। अब आपका ईयर जो है किसी और ईयर का है तो फिर यहाँ पे 10% लगा के ईयर भी देना पड़ेगा, जैसे 2021 करेंट है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं यहाँ हम ईओ मंथ का फॉर्मूला लगा के इस महीने का लास्ट डेट पता कर लेते हैं। तो मुझे जनवरी महीने का फर्स्ट डेट और लास्ट डेट पता चल गया है। अब इसमें संडे कितना है, इसके लिए हम जो है यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे हम फॉर्मूला इसका नेट। हालांकि इसमें हमारे पास एरे फॉर्मूला है, एरे फॉर्मूला भी लगाया जाता है, दोनों में हमें बताएंगे आपको, सिंपल भी और एरे भी। नेटवर्क डेज डॉट INTL, हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पे एंड डेट सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है हॉलीडे की, कौन सा हॉली है, संडे है तो हमने संडे के लिए 11 ले लिया। और आपके सामने रिकॉर्ड रिजल्ट आ गया 26 दिन। और फिर हम इसमें 31 माइनस ये करते हैं, ये आ जाता है नंबर ऑफ डे। और फिर मैं 30 में से माइनस 26 को करूंगा तो 4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए संडे जो है हमारा कौन से जनवरी महीने में, तो मैं एक बार थोड़ा सा जनवरी महीने पे जाता हूँ क्योंकि मैनुअली मैच करना जरूरी है। संडे जो है 1, 2, 3, 4, 5 है और यहाँ 4 आया, क्योंकि नेटवर्क डेज हमेशा एक कम दिन देता है, यहाँ 31 है ना, 31 में ये 30 ही दिन है, एक कम होता है, इसलिए इसके रिजल्ट में आप एक प्लस कर दें तो आपको रिजल्ट सही आएगा। अब रिजल्ट 5 दिन आपके सामने आ गया। लेकिन ये तो इस तरह से है, अब मुझे इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, ये नेटवर्क डेज में 11 कैसे होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक लाइन ऐड करके यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से ऐड कर सकते हैं। देख लेता हूँ क्या क्या है। हाँ, 11 हो गया आपका संडे, 12 हो गया मंडे, 13, 14, 15, 16, 17। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको मुझे एक सेल पे चाहिए तो अब इसको आपस में मर्ज करते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं कॉपी, और यहाँ B3 है उस पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ जहाँ पे B3 है यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी B3 है तो हम यहाँ भी इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके ब्रैकेट में लेना चाहिए, हमने ब्रैकेट में नहीं लिया। इसको डेट वैल्यू में लेना होगा क्योंकि टेक्स्ट हो जाता है ना, इसलिए डेट वैल्यू में लेना होगा इसको। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब इसकी बात करता हूँ ईओ मंथ की, और जहाँ जहाँ ईओ मंथ में कितना है B4, अब जहाँ जहाँ B4 है वहाँ वहाँ B4 का फॉर्मूला पेश कर देते हैं। यहाँ B4 नहीं है, नहीं यहाँ भी B4 है ना,
अब B4 को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ B5 है, B5 को कॉपी करते हैं और जहाँ जहाँ B5 है वहाँ उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं। B5 को भी डिलीट किया जा सकता है, जहाँ पे B6 है B6 के फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और जहाँ पे B6 है वहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इसको डिलीट किया जा सकता है और इसको इसको कट करके हमने ऊपर यहाँ पे रख दिया है। मुझे इसको आगे ड्रैग करना है। A3 का A फ्रीज होगा, हमने पहले फ्रीज नहीं किया, हमें फ्रीज कर लेना चाहिए था। A3 का A फ्रीज होगा, उसके बाद यहाँ भी ये है, इसको भी फ्रीज कर दीजिए, यहाँ भी ये है तो इसको भी फ्रीज कर लीजिए। उसके बाद B1, हाँ देखिए B1 कहाँ पर है, हाँ ये रहा B1, B1 का 1 फ्रीज हो जाएगा। अब मैं इसको चारों तरफ ड्रैग कर देता हूँ। लेकिन ये 2007 में पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि 2007 में हमारे पास नेटवर्क रेट डॉट INTL अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि कैसे किया जा सके, तो उसके लिए एक और तरीका है, हम उस तरीके पे बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं एरे का तरीका है हमारा। तो चलिए एरे तरीके के तरीके को भी हम देखते हैं कि एरे में हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन वही है, आपको डेट स्टार्ट डेट एंड डेट उसी तरह से बनाना होगा जिस तरह से हमने बनाया था, वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। 1-& हमने इसको ले लिया, ईयर हम इस बार नहीं डालते हैं, कोई करेंट ईयर का है तो इसलिए बना हम डालें। ईओ मंथ हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा जीरो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ये टेक्स्ट है डेट नहीं। अब हमारे पास डेट आ गया यहाँ पे, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ सम, सम में हम देते हैं इफ, इफ में एक मिनट, यहाँ एंड डेट नहीं होगा, एंड डेट में हम यहाँ पे ई ओ मंथ करते हैं, डेज डेज ई ओ मंथ को हम डेज के में लगाते हैं, क्योंकि हमें 31 दिन चाहिए कि कितने नंबर ऑफ दिन है इस महीने में। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सम, सम में इफ, इफ में हम यहाँ देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट में इसको हम प्लस रो, फिलहाल तो हम 1-31 मैनुअल कर देते हैं, लेकिन बाद में इसको भी हम ऑटोमेट करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्मूले से। एक बार बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा करते हैं इस तरह से। इक्वल टू अगर ए है तो 1 आए, अदरवाइज 0 आए। आ गया 5। अब यहाँ 2 प्रॉब्लम है, 1-31। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला इनडायरेक्ट का लगाना होगा और इसको 31 को जो है हमें कॉन्केट करना पड़ेगा। इसमें हम यही नहीं, यहाँ हम बाहर आके -1 करना होगा, यहाँ -1 करना जरूरी होता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, अब रिजल्ट सही। अब रिजल्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, चलिए इस बार फॉर्मूला एवलेट से देखते हैं। सबसे पहले इसने B2 से लिया, फिर इसने इसका 31 निकाला और फिर इसको इनडायरेक्ट से उसको कन्वर्ट किया, क्योंकि कॉन्क्रेट लगने के बाद वो टेक्स्ट हो गया, इसलिए इसको कन्वर्ट किया नंबर में और फिर इसको 1-31 से टूटा। अब इसमें प्लस कर दिया, अब प्रॉब्लम क्या है कि 1 में प्लस होगा तो 2 हो जाएगा ना,
तो ये दो से लेके एक हो जा अगले महीने की 8 1 हो जाती है, इसलिए हम सबको -1 की है। फिर इसको कन्वर्ट किया संडे मंडे में, जहाँ जहाँ संडे है वहाँ वहाँ पे ट्रू हो गया, बाकी जगह पे फॉल्स, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे 1 आ गया, फॉल्स पे 0 आ गया, सब ने उसको 0 कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम ऑटोमेट करते हैं, इसका हम ए जो है इसको फ्रीज कर देते हैं, और इसका भी बी टू का 2 फ्रीज हो जाता है। अब इसको कॉपी करते हैं जहाँ पे हमारा बी टू है, बी टू के जगह पे उसकी फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, और फिर वापस यहाँ पे बी टू और यहाँ पे बी टू है। और जहाँ पे बी थ्री है वहाँ पे बी थ्री का फॉर्मूला डाल देते हैं। अब जो है ये लिंक इन दोनों से है, इन दोनों से लिंक नहीं है, तो इन दोनों को मैं हटा सकता हूँ, और फिर इसको कट करके यहाँ पे डाल दीजिए। और डालने के बाद ड्रैग करके देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ड्रैग करने से पहले आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा, क्योंकि एरे, फिर इसको ड्रैग कीजिए और नीचे की तरफ। अरे नीचे की तरफ हमने ड्रैग किया, छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, हमने बी वन को यहाँ फ्रीज नहीं किया था, हमें बी वन को फ्रीज करना चाहिए था। सारे मंथ आ गए, अब इसका सम लगा के टोटल कर लीजिए, आपको हर महीने का डेट आपको यहाँ दिख जाएगा। तो विशाल जी, जहाँ तक मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चीज़ें समझ में तभी आएगी जब आप एक्सेल की नॉलेज रख रहे होंगे। अगर नहीं है तो आप हमसे हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल ऐप में जाके वीडियो कोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे भी आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ऐप में जो हमारे से मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि ऐप पर मैं हमेशा रहता हूँ। तो अगर आप लोगों की प्रॉब्लम इस तरह की आती रहती है और आप भी चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो बनवाना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐप में मैसेज कर सकते हैं, और मेरे चैनल को पे बने रहें। जो चैनल सब्सक्राइबर हैं उन्हीं की प्रॉब्लम की सोल्यूशन देते हैं, तो अगर आपको मेरी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको प्रॉब्लम पे मुझे सोल्यूशन वीडियो बनवानी है, तो चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू।